नमस्कार प्रहरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं साई कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेंट के डायरेक्टर राजन वर्मा जी। आइए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ इतना इंपॉर्टेंस होता है अगर आप किसी ग्रुप से जुड़ते हैं और बेहतर बिजनेस करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हिंदी इंग्लिश हाँ जी सर सर मैं हाँ बताइए जी हाँ क्या कितना कुछ इंपॉर्टेंस होता है जब आप किसी ग्रुप से जुड़ते हैं। तो ग्रुप से जुड़ने से दो तीन फायदे हैं जो मेरे को समझ में आते हैं, जो हम लोग का एक इंटरेस्ट भी है उसमें यह है कि आप एक तो बहुत वैरायटी के लोगों से मिलते हैं और वो हर अलग अपना बिजनेस अपने तरीके से कर रहा है, तो उनसे जानने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसके तजुर्बे से आप भी सीख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो नए बिजनेसमैन हैं उनको आप गाइड भी कर सकते हैं। सो जो अगर हम लोग जैसे हमारे को 20-25 साल हो गए काम करते हुए, अगर हम अपना कुछ काम करके आए हैं और हम लोग को कहीं कहीं कुछ कठिनाइयाँ या परेशानियाँ हुई हैं तो वो हम उनको शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस और उससे वो भी सीख सकते हैं। तीसरा रहता है कि एका होने का आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस में एका है और एक सेम क्लाइंट को हम लोग अगर डील कर रहे हैं जी तो उससे क्या रहता है कि हमारा एक रिलेशन अलग किस्म के लेवल पे चले जाते हैं कि अगर सेम कस्टमर को हम ऐसे 5 लोग अगर उसको बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ तो कहीं ना कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन और हमारे बारे में हम उसको अच्छा बता पाएंगे जी हाँ। तो उससे हमारा एक जो कॉन्फिडेंस है या क्रेडिबिलिटी है उस क्लाइंट के बीच में वो बढ़ जाती है। दैट इज़ जी हाँ बिल्कुल। एथिकल बिजनेस ग्रुप इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ है और आप जुड़ रहे हैं। आपने आपके क्या चीज़ का बिजनेस है उसे? हमारा अभी जो है हम लग रहे नेटवर्क और आईटी से रिलेटेड काम करते हैं। हमारा काम है डेटा एनालिसिस करना और हम लोग डेटा जो कैमरास और वाईफाई और हम अपने एक फीडबैक टर्मिनल है उसके थ्रू जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे हम उसके पर एनालिसिस करके जो टर्मिनल को लगवाए हैं उनके पे उनके ऑफिस में उनके स्टोर में उनके मॉल में उनके इवेंट में या ट्रेनिंग सेंटर्स में जो जो हो रहा है उसके बारे में हम उनको इनसाइट देते हैं। हमारा जो USP है कि वो रियल टाइम डेटा है। आज अगर आपने उसमें हम अगर हम समझें कि 4 स्माइली फेसेस आपके सामने हैं जिसमें 2 रेड हैं और 2 ग्रीन हैं, अगर आप रेड बटन दबाते हैं और वो रेड बटन दबाने के बाद अगर आप ये बता पाएँ कि क्या ख़राब था और उसके बाद वो इमीडिएटली उस ओनर के पास या मैनेजर के पास चला जाता है तो उसके पास पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो फीडबैक को पॉजिटिव लेके उसको ठीक करेगा और अपना बिजनेस ग्रो करेगा। अमूमन क्या होता है कि आज पेपर फीडबैक का दौर पहले था, पेपर फीडबैक हम भरते हैं नहीं भरते हैं आधा अधूरा भरते हैं और वो भरने के बाद भी वो सही जगह पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये वाला जो फीडबैक है ये आपको कहीं मिस नहीं हो रहा है और ये डेटा आपका कंप्यूटर जैसे ही उसने बटन दबाया वो फीड हो गया और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो जो ओनर है उसको राइट फीडबैक रहा है और उससे वो काफ़ी फायदा उठा सकते हैं। जो ये कह सकते हैं कि नया बिजनेस डेवलप हुआ उसका एक नया कंसेप्ट पर ये बिल्कुल ये जो है फीडबैक आज की तारीख में हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो मॉल शॉपिंग हो, चाहे वो रिटेल स्टोर हो, चाहे वो एयरपोर्ट की बैगेज सर्विसेज हो, हर जगह पर ही एक सर्विस का फीडबैक बहुत ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर आजकल सर्विस पर ज़्यादा अहमियत देते हैं। जी आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आजकल बिजनेस ग्रुप बना है और निश्चित तौर पर काफ़ी लोग यहाँ हैं। सर मैं चाहूँगा कि बिजनेस के लिए एक अच्छा पहल है और जितना अच्छा हो सके उसको हम लोग मिलके काम करें और आपस में जुड़ के जितना हम आपस में एक दूसरे को बिजनेस की हेल्प कर सकें। एक और बात है सामाजिक तौर पर न्यूक्लियस फैमिली हो रहा है तो ऐसे में ये सब ग्रुप ज़्यादा अच्छा कर सकता है। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है कि जब हम कुछ लोगों से रेगुलरली मिलते हैं तो उनके साथ कुछ एक बॉन्डिंग सा हो जाता है जिसमें आप कुछ काफ़ी चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो शायद आप अपने घर पर भी नहीं कर सकते, तो वो एक एक्सटेंडेड फैमिली टाइप हो गया और जो उससे क्या होता है कि वो एक अपना एक अपना बेटर एक जरिया हो जाता है जो स्ट्रेस रिलीज करने का भी और प्लस आपको हेल्प लेने का भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे राजन वर्मा जी, खास सबसे बता रहे थे कि आज इस प्रकार से एथिकल बिजनेस ग्रुप बना है और ऐसे ग्रुप में आप जुड़कर निश्चित तौर पर अपने सामाजिक को भी विकास कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सोनू सोहन के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।